अध्यक्ष, यहां दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने के जो भाषण में जो बजट पेश किया है, कुछ हद तक राज्यपाल के भाषण के शब्दों को वोट ऑन अकाउंट में परिवर्तित किया गया है। वे सभी चुनाव अभी भी मुख्यमंत्री जी चुनावी मूड में दिख रहे हैं। बजट को शब्द भाषा का चुनाव जनता को गुमराह करने के लिए बहुत ही चालाकी से ये बजट पेश किया गया है। अध्यक्ष, ऐसे कई वादे मुख्यमंत्री जी के थे चुनाव से पहले, जो आज तक भी पूरे नहीं किए गए। अगर हम हमारे तेलंगाना के नौजवानों के प्रति अगर विचार विमर्श करेंगे तो कई नौजवानों को नौकरी देने का वादा था, लेकिन आज भी कई नौजवान बेरोजगारी की तदार पे हैं। उसी प्रकार से 2BH के डबल बेडरूम की अगर हम बात करें तो 2,72,000 चेंज मकान बनाने का हमारा टारगेट है, लेकिन सिर्फ हम 19,195 ही घर बना सके, जिसमें सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद में 1,008 घर ही हम बना सके। मुख्यमंत्री जी आज भी, अध्यक्ष जी, मैं मुख्य आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा, आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनको मकान नहीं है, आज भी कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं स्पीकर जी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि हर विधानसभा में कई ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको मकान नहीं है, वो मकान चाहते हैं। आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हम हर गरीब वर्ग को मकान बना के देंगे, बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन कुछ कुछ विधानसभाओं में प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, ऐसी कुछ विधानसभाओं में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरी विधानसभा में जैसे इंडोमेंट जो लाइंड होता है वो हमारी परिधि में आता है, इससे कोई सेंटर का संबंध नहीं है। 40 एकड़ इंडोमेंट लैंड जो कि किसी प्रकार का कोई काम में नहीं है, अगर वो लैंड भी, उसमें से कुछ लैंड अगर हम गरीब लोगों के मकान के लिए अगर हम बनाने के लिए अगर प्रयोग में लेते हैं तो जनता के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ पिछले 4 वर्षों में तेलंगाना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, 4.5 वर्षों में राज्य में एक भी बड़ा उद्योग इंडस्ट्री हमारे इस तेलंगाना राज्य में नहीं है। अध्यक्ष, ECIL, BHEL, BDL, मारुति कार, टाटा कार जैसी कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हमारे तेलंगाना में नहीं लाई गई है, जो टाटा आदिलाबाद वर्ष 14 से पहले वहां पर कंपनी का निर्माण किया गया है। अध्यक्ष, उसी प्रकार से हम बेरोजगारी भत्ते की हम बात करते हैं, बेरोजगारी भत्ते के लिए हमने जो नौजवान शिक्षित है, जो नौजवान जो काम काज नहीं करते हैं, उनके लिए तेलंगाना राज्य की ओर से 1810 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ये उन तक हम कैसे पहुंचाएंगे, हमारी योजना क्या है? अध्यक्ष, TSPSC के अनुसार बेरोजगारी भत्ते के लिए पिछले वर्ष करीब 30 लाख एप्लीकेशन आए हैं। अध्यक्ष, अगर हम उन तमाम बेरोजगारों को जोड़ दे तो ये 50 लाख से अधिक पार हो सकता है। अगर हम एक को हम 3,000 रुपये देने का हमारा वादा है तो एक व्यक्ति के साल के 36,000 रुपये होते हैं। अध्यक्ष,
अगर तमाम लोग एप्लीकेशन लगाए, अगर हम तमाम लोगों को अगर सैंक्शन भी दिए, अप्रेसमेंट अगर हम 50 लाख लोगों को भी अगर हम बेरोजगारी भत्ता देने का अगर हम वादा करें या प्लान करें तो 20,000 करोड़ रुपए होते हैं, जबकि हम सिर्फ 1800 करोड़ रुपए ही बेरोजगारी भत्ते के लिए हम देने का प्लान करें अध्यक्ष, तो बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे। उसी प्रकार से रूरल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई भी बजट नहीं दिया गया अध्यक्ष, कोई प्लान नहीं किया। उसी प्रकार से एनर्जी ऊर्जा के लिए कोई भी नया प्रस्ताव और बजट नहीं। समय समाप्त रखते अभी तो शुरू करा मैंने एक हूं कम से कम एक घंटा तो देना चाहिए, एक हूं कम से कम एक घंटा तो देना चाहिए। उसी प्रकार से अध्यक्ष हम न्यू रोड के लिए भी कई करोड़ रुपए हम प्लान कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास कोई प्लान नहीं, कोई मैप नहीं, कोई बजट नहीं, उसमें भी थोड़ी बहुत हमें आशंका है अध्यक्ष कि हमारा प्लान क्या है। अध्यक्ष वैसे तो अभी पार्लियामेंट चुनाव आ रहा है, असेंबली चुनाव खत्म हो गया है, मुझे ऐसा लगता है ये जो बजट पेश हुआ ये चुनाव का देखकर ही बजट ये प्लान किया गया, और हमारा तेलंगाना चुनाव समाप्त अभी पार्लियामेंट चुनाव स्टार्ट हो रहा है उसी को देखकर ये बजट पेश किया गया ऐसा मुझे लगता है अध्यक्ष, और आपने जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद। ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి, ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.